नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर डाला पोस्ट, तो युवक को मिली जान से मारने की धमकी। भाजपा की पूर्व सदस्य नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद से देश भर में हंगामा फैला हुआ है। जगह जगह पर हिंसा फैलती जा रही है और कहीं पर इस मामले में कत्ल किए जा चुके हैं तो कहीं एक के बाद एक कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मेघा मित्तल और आपके सामने पेश है बात फतेह की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक युवक ने नुपुर शर्मा के समर्थन में अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला, जिसके बाद उन्हें दो रिप्लाई आए जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। हाल ही में अमरावती में ये मामला सामने आया था, जहां पर एक व्यक्ति का गला काटकर हत्या कर दी गई, क्योंकि उन्होंने भी सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डाला था। बताया जा रहा है कि दुर्ग जिले के एक युवक ने कुछ दिन पहले नुपुर शर्मा के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसके बाद से लगातार अज्ञात लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी मिल रही है। युवक ने अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत के आधार पर पुलिस में मामला दर्ज करवाया है और जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार कुम्हारी के कैलाश नगर निवासी ने अपने इंस्टाग्राम की आईडी से नुपुर शर्मा के पक्ष में एक मैसेज पोस्ट किया था, जिसके बाद उन्हें दो नंबर से रिप्लाई आया और दोनों ही मैसेज में उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या से भयभीत युवक ने इसकी सूचना कुम्हारी थाना में की है। शिकायत के बाद से मामले की जांच में जुटी है पुलिस। दुर्ग के एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया है कि जैसे ही उनके पास शिकायत आई है, वो उसके बाद से मामले की जांच में जुट गए हैं। युवक ने बताया है कि वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालने के बाद से धमकियों का लगातार शिकार हो रहे हैं और इसी बात को लेकर दो लोगों ने प्रार्थी को फोन से मैसेज करके धमकी दी है कि नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हो, हम तुम्हें जान से मार देंगे। इसके बाद प्रार्थी ने कुम्हारी थाने में आकर इसकी FIR करवाई है और जिस पर पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। यह पहली घटना नहीं है जब नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर किसी को कत्ल की धमकी दी जा रही है। इससे पहले उदयपुर में भी एक दर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला था, जिसके बाद उसकी सरेआम हत्या कर दी गई और इसके बाद एक और हत्या का मामला सामने आया है, जो कि महाराष्ट्र के अमरावती में है, जहां पर एक 54 साल के व्यक्ति की हत्या इसी बात के लिए की गई कि उन्होंने सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा का समर्थन दिखाया था। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये हिंसा किस हद तक देश भर में फैलती है और कैसे इस पर लगाम लगाया जाता है। अगर आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली है तो हमारे चैनल News24 MPCG को सब्सक्राइब करें। मैं हूं मेघा मित्तल, फिर हाजिर होंगी एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।